हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। एक नोटिस लीक हो रही है जो कि रेलवे की तरफ की नोटिस है। ये नोटिस जो आई हमारी, ये 12/2023 की नोटिस आई हुई है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और ये किस चीज की नोटिस है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो नोटिस हमारी है वो हमारी ALP की है, जो कि अब लेटेस्ट वैकेंसी आने वाली है। जब नोटिस निकल गई है तो कंफर्म है कि वैकेंसी भी 1 या 1.5 महीने में आ जाएगी। इसमें जो बदलाव किया गया है वो एजुकेशन के रिलेटेड से बदलाव किया गया है। अब एजुकेशन में क्या बदलाव किया गया ये चीज हम देखेंगे। तो चलते हैं एजुकेशन की तरफ, देखते हैं क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो जो बदलाव, बहुत बड़ा जो बदलाव हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये वही फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास ये क्वालिफिकेशन होगा। सबसे पहले कि आपको 12th पास होना चाहिए, ये कंफर्म है कि 12th आपको पास होना ही चाहिए। प्लस इसके साथ यदि आपके पास ITI है तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हो, और प्लस यदि अप्रेंटिसशिप है और अच्छी बात है। अभी निराश होने की जरूरत नहीं है, और भी है। मानते हैं कि ITI हर बच्चा तो किया नहीं होता है, उसके यदि आपके पास ये नहीं है, यदि ये चीज नहीं है, केवल 12th है, तो इसके साथ आपको डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिप्लोमा, डिप्लोमा होना चाहिए। अभी डिप्लोमा किस चीज का है तो ये भी हमें कंफर्म करना पड़ेगा। तो डिप्लोमा आपको होना चाहिए किसका किसका? मैकेनिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, ऑटोमोबाइल होना चाहिए, यानी ऑटोमोबाइल होना चाहिए, ETC। यदि इसके साथ आपने डिप्लोमा किया है, तो आप इस फॉर्म को भरने में इजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी निराश ना होइए। जानते हैं कि कुछ बच्चे जो ऐसे भी हैं जो हमारे डिप्लोमा भी नहीं किए, ITI भी नहीं किए, बट डिग्री तो किए हैं। तो जो डिग्री किए हुए हैं उनके लिए भी जो डिग्री है, जो डिग्री हमारे पास है, अब डिग्री किसकी किसकी? मैकेनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, ऑटोमोबाइल में होना चाहिए, ETC। इनके साथ यदि आपने डिग्री किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये ऑल्सो एक्सेप्टेड है डिग्री वालों के लिए। इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, जो बदलाव हुआ ये बदलाव हुए हैं। यानी कि पहले 12th केवल था कि 12th वाले भी भर सकते हैं, बट अब की 12th और ITI होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आपकी डिग्री होनी चाहिए। ये तीन चीज कंपल्सरी आ गई है। इनमें से यदि आपका नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब बात करते हैं कि आखिर में कौन कौन से ट्रेडे इसमें आएंगे। तो ट्रेडे के बारे में चलते हैं कि ट्रेड यानी कि वैकेंसी किस पे निकलेगी, उस चीज को हम देखते हैं। यानी वैकेंसी निकलेगी तो किसी पे तो निकलेगी, तो कौन कौन से पद पे निकलेंगे? सबसे पहले जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा किस पे निकलेगा? फिटर पे। किस पे निकलेगा? फिटर पे। यानी फिटर सबसे ज्यादा होता है। फिटर कहने का मतलब कि आप जो मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल, उनको सबको मालूम होगा कि फिटर क्या होता है। फिटर क्या होता है कि जो मशीनें बनती है उनको बनाने का काम फिटर करते हैं। दूसरा जो आएगा वो आएगा हमारा इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक्स। क्या आएगा? इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक्स। तीसरा जो आएगा वो मेंटेनेंस मैकेनिक्स आएगा, मेंटेनेंस मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। चौथा जो आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स होगा। चौथा जो आएगा, आप शॉर्ट में हम लिखते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। पांचवा जो आएगा वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स आएगा। छठा जो आएगा वो हमारा आएगा मैकेनिक्स रेडियो एंड TV, मैकेनिक्स रेडियो, 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 क्या आएगा? रेडियो एंड TV। उसके बाद जो आएगा सातवीं वैकेंसी हमारी जो आ रही है वो आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी मैकेनिकल, मैकेनिकल
मैकेनिकल मोटर एंड व्हीकल। जो आठवीं वैकेंसी निकल के आ रही है वो आ रही है हमारी हीट इंजन, हीट इंजन। और जो नवी वैकेंसी आ रही है वो हमारी आ रही है आरएसी, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये हमारी वैकेंसी आ रही है। इस वैकेंसी के अलावा और भी वैकेंसी हो सकती है, जैसे सिग्नल वैकेंसी हो सकती है, बहुत सारी वैकेंसी है, बट ये जो वैकेंसियां हैं इनमें सबसे ज्यादा जॉब निकलती है और ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट है और ये नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा दी गई है। तो यहां तक तो आपको पता चल गया कि ये वैकेंसी आती है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप देखते हुए आपको खुशी हुई होगी कि चलिए जॉब तो निकलेगी, अब अगले महीने जॉब निकलेगी या उसके अगले महीने या दो महीने के अंदर तो जॉब निकलनी है। तो दोस्तों इसकी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके, क्योंकि हमारी क्लास बहुत अच्छी चल रही है। इस समय एसएससी जीडी की क्लासेस चल रही है। जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है वो हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकता है और हमारे वीडियो को देख सकता है। तो दोस्तों चलते हैं इसका सिलेबस की तरफ, क्या तुम्हें इसका सिलेबस क्या होगा। इसके सिलेबस का हम बात करें तो बहुत प्यारा सिलेबस है इसका। क्या क्या सिलेबस है, सबसे पहले इसकी बात करें सिलेबस की बात करें तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं आता है। सबसे पहले जो आता है वो बेसिक मैथ आती है, यानी अर्थमेटिक और एडवांस मैथ आती है जो कि 20 नंबर की आती है। दूसरा जो आता है वो हमारा आता है साइंस आता है, जो कि ये भी हमारी 20 नंबर की आती है। तीसरा जो आता है वो रीजनिंग आती है, क्या आती है हमारी रीजनिंग आती है, जो कि हमारी 25 नंबर की आती है। चौथा जो हमारा पार्ट आता है वो करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर यानी जीएस आती है, वो हमारा आता है 10 नंबर की। यानी सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि आपको जीएस कम आती है, क्योंकि जीएस इतना बड़ा सागर है कि आपको पढ़ने में दिक्कतें आती है। कोई बच्चा पढ़ने में तो दिक्कत आती है। टोटल जो पेपर बनेगा वो 75 नंबर का पेपर बनेगा। इसमें जब पेपर होंगे तो इसमें सीबीटी वन होता है जो कि ये पेपर बनेगा, और सीबीटी टू होगा जो कि इसमें आपका ये होगा, यानी बेसिक आएगा और प्लस क्या आएगा हमारा, प्लस हमारा जो ट्रेड है, जो हमारा स्ट्रीम है उससे क्वेश्चन बनेंगे। क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर, यानी यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो यहां तक क्लियर हो गया तो एक और बात मैं खुशखबरी की ये बताना चाहूंगा कि अगली बार 26,000 प्लस वैकेंसी थी, इस बार बढ़ के आ रही है। कितना, 64,000 प्लस वैकेंसी आएगी। एज की बात करें तो आपको कंफ्यूजन होगी यार एज क्या होगी, तो जो एज होगी वो लगभग अगली बार आई थी 30 साल और 33 साल। अब 30 साल किसके लिए था, 33 साल किसके लिए था, 33 साल जो था वो डिग्री वालों के लिए था और जो 30 साल था वो टेक्नीशियन वालों के लिए था। क्या था, टेक्नीशियन वालों के लिए। तो यहां पे आपको क्लियर पता चल गया होगा, यानी डिग्री में क्या आएगा, लोको पायलट हो जाता है, ELP यानी कि लोको पायलट हो जाता है, असिस्टेंट लोको पायलट हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता हमारा, टेक्नीशियन अलग हो जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो तो नोटिफिकेशन हमारा जल्दी से जल्दी आप शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स देख सकें। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों, क्योंकि ALP की वैकेंसी जब आने वाली है तो क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, और 100% की क्लास स्टार्ट होगी तो 100% आपका सिलेक्शन होके रहेगा, उसमें कोई रोकेगा नहीं यदि आप पढ़ते हो तो। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही नोटिफिकेशन अच्छे, अभी और नोटिफिकेशन आने वाले हैं कि वैकेंसी कब आएगी, ये भी नोटिफिकेशन आएगी और हम आपको जल्दी सूचना देंगे। तो दोस्तों जो बच्चे हमारे SSC की अभी तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो हमारे चैनल को अभी ज्वाइन करें, और हमारी क्लासेस जो चल रही हैं उसमें अभी बेसिक नंबर सिस्टम चल रहा है उसको आप देख सकते हैं, और बेसिक से हमारा क्लासेस चल रही है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, आराम से पढ़ रहे हैं, और ALP भी आराम से पढ़ेंगे और पूरा क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।